हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, होम साइंस एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ब्लॉक प्रिंटिंग होती क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग ये माना जाता है कि चाइना में 3rd सेंचुरी में ओरिजिन इसका हुआ था, और उसके बाद इस ब्लॉक प्रिंटिंग के कुछ रिकॉर्ड्स इजिप्ट में नाइल रिवर के पास और अपने कंट्री में गुजरात में भी पाए गए। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हमें क्या सामान की ज़रूरत होती है? इसके लिए हमें वुडन ब्लॉक, वेजिटेबल के कुछ पीसेस जैसे कि आलू के पीसेस, भिंडी के, प्याज का क्रॉस सेक्शनल पीस, करेले के पीस, लीफ, आपके घर में मौजूद किसी भी बॉटल का ढक्कन, कोई कुकी काटने वाला कटर, कैरेट हो सकती है, बटन्स हो सकते हैं, धागे हो सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड पे डिज़ाइन किया हुआ माचिस की तीली से बनाया हुआ डिज़ाइन हो सकता है, और ये जिस पे किया जाएंगे डिज़ाइन बनाया जाएगा वो कपड़ा कॉटन का कपड़ा जो कि धुला हुआ और प्रेस किया हुआ हो, कोई पुरानी टी शर्ट या नई टी शर्ट हो सकती है, कोई भी पेपर हो सकता है। ये किस कलर से करेंगे? एक्रेलिक कलर जो फेविक्रिलिक कंपनी के नाम से आते हैं, और ये सिंथेटिक कलर्स होते हैं। स्पॉन्ज, आर्ट के ब्रशेस, प्लेट और ट्रे, पुराना एक कपड़ा, और जिस कपड़े पे आप कर रहे हैं उसको सीधा करने के लिए प्रेस, और कुछ टेबल पे डालने के लिए कुछ चादरें और कंबल। तो बच्चों देखिए, आप इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, एक प्याज कटा हुआ है, पत्तियाँ हैं, वुडन ब्लॉक्स हैं, क्लिप्स हैं, टिश्यू पेपर है, साथ में स्पॉन्ज है और फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं और ब्रशेस हैं। ये देखिए, ये टेबल पे डालने के लिए एक नीचे गद्दा और ऊपर कुछ चादर है। ये हम कॉटन का कपड़ा जो धुला हुआ है और प्रेस किया है उस पर हमने एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है ताकि हमारे ब्लॉक्स एग्जैक्ट जगह पर लगें। और ये पानी एक बॉल में हमने लिया है। ये जो स्पॉन्ज है इसके ऊपर हम पहले पानी लगाएंगे ताकि वो थोड़ा गीला हो जाए, और इस पर हम जब कलर डालेंगे तो वो इवनली स्प्रेड हो। ये देखिए, अब हम एक प्याज का पीस लेंगे या हम कोई और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई और मटेरियल ले सकते हैं जिसका हमने डिज़ाइन बना हो, जैसे कि ये आलू के कुछ पीस पे डिज़ाइन बनाया हुआ है, या लीफ, या ये वुडन ब्लॉक्स जो रेडीमेड मिलते हैं किसी भी क्राफ्ट शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल हैं, और ये फेविक्रिल के कलर्स। अब हम गीली स्पॉन्ज पे, जो हल्की गीली हमने ब्रश से की है, उस पर हम कलर्स लगाएंगे। अनियन को, जो कि थोड़ा गीला होगा, कोई भी वेजिटेबल हम काटते हैं तो वो थोड़ी गीली होती है, उसे हम टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे, और उस वेजिटेबल को हम स्पॉन्ज के ऊपर डैप करते हुए उस पर, अगर हमने दो कलर्स की शेडिंग देनी है तो हम दो कलर की ब्रश से शेडिंग दे देंगे, और उसको हम किसी भी कपड़े पे या किसी पेपर पर लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेपर पे लगाया है, तो आप देखिए ये अनियन का प्रिंट है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हम लीफ का प्रिंट अब लेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में अनियन का और लीफ के प्रिंट्स दिए हुए हैं, लंबी वाली लीफ के प्रिंट्स, और साथ में आप इसको किसी कोटेशन लिख के एक सुंदर सा अपने रूम के लिए कोई डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। अब हम वुडन ब्लॉक से करेंगे। वुडन ब्लॉक पे मैंने कलर लगाया है, और उसको पहले मैंने टिश्यू पेपर पे चेक किया कि इवनली स्प्रेड हो रहा है, उसके बाद मैंने कपड़े पे जो निशान लगाए थे वहाँ पर उसको डैप कर दिया, उस पर उसको डैप किया है। अब देखिए आगे येलो कलर लगाया है सेंटर पीस के लिए, और उसको फिर हमने डैप किया है। यहाँ पर ग्रीन वुडन पीस लिया है। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप कोई भी कर सकता है, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। हम छोटे बच्चे को कोई भी वेजिटेबल कट करके दे दें और किसी भी शीट पे कराएं, तो उसको स्कूल में भी कराते हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, और हम इससे कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। ये एक पेंसिल के ऊपर मैंने धागा लपेटा है, सूती लपेटी है, और उसके ऊपर कहीं कहीं कलर लगा के, और जो पेंसिल है उसको घुमा दिया, रोल रोल करके
चला दिया, तो देखिए कैसा इम्प्रेशन आया है, कहीं पे शेड है और कहीं पे नहीं है। हम कोई भी इसको क्राफ्ट का पेपर बना सकते हैं, एनवेलप्स बना सकते हैं शगन के। नेक्स्ट हमने ट्राई किया ब्लॉक प्रिंटिंग का एक क्लिप से, क्लिप के इफ़ेक्ट्स हैं। आप कोई स्क्रू भी ले सकते हैं, ये उन्हीं क्लिप्स के प्रिंट्स को जो हमने ये किया, इसको मैंने कट करके अनियंस के साथ एक कैंडल का लुक दिया है। यहाँ पे मैस्टिक से लुक दिया गया है, मैस्टिक को पेस्ट किया गया है और उसको कपड़े पे दिया गया है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल कारीगर कपड़े पे प्रिंट कर रहा है, ब्लॉक्स लगाते हुए दिखाया गया है। तो आप हम समराइज़ करें ब्लॉक प्रिंटिंग की एक्टिविटी को, तो सबसे पहले हमने एक कॉटन के कपड़े को या टी शर्ट को धोना है, उसमें से मांड निकालनी है, स्टार्च निकालनी है, फिर उस कपड़े को प्रेस करना है। एक ऐसी टेबल लेनी है जो कि बिल्कुल सपाट हो, उसके ऊपर हमने कंबल या चादरों से लेयर्स बनानी है, उसके ऊपर फिर हमने कपड़ा रखना है और कपड़े को पिन लगा के सेट कर देना है। उस साथ में एक प्लेट रखनी है, उस पर स्पॉन्ज रखनी है और वुडन ब्लॉक रखना है। अब स्पॉन्ज के ऊपर हम कलर स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर हम अपने ब्लॉक को डैप करेंगे और उसी ब्लॉक को जिस पे कलर आ गया है उससे हम अपने कपड़े पे इम्प्रेशन देंगे, इसको टेक्सचर देना भी कहते हैं। डिज़ाइन विल गेट इम्प्रिंटेड ओवर द क्लॉथ, आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप किसी भी वेजिटेबल से, स्क्रू से, आपके घर कोई भी अच्छी सी आकर्षक चीज़ है जो आपको लगता है आप बना सकते हैं, उस पर कलर लगाइए। अगर स्पॉन्ज नहीं है डायरेक्ट ब्रश से कलर लगाइए और उसको अपने कपड़े पे डैप कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, आपका सुंदर क्लॉथ रेडी हो जाएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग एक ऑर्नामेंटेशन टेक्निक है जिससे आप कपड़ा सुंदर बनाते हैं। पुराने ज़माने में जब सिंथेटिक डाइज नहीं होती थी तो नेचुरल डाइज यूज़ की करते थे। वो नेचुरल डाई कैसे बनती थी, जैसे कि कोई भी पेड़ की रूट ले ली, जड़ ले ली, उसको पानी में डिप कर रखा तो उसमें से ब्राउन कलर आ गया और उसमें कुछ और मटेरियल थिंग्स मिला के उनको पक्का करके उनसे कलर बनाए जाते थे। या फिर रोज़ की पेटल से, गेंदे की पेटल से, और इंडिया में नील रंग, इंडिगो कलर बहुत फेमस था जो कि फूलों से बनता था, या फिर टर्मरिक हल्दी के रंग, उससे उसको काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो नेचुरल डाइज बहुत यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल के टाइम में जो सिंथेटिक डाइज हैं वो आ गई हैं और वो सस्ती हैं, बहुत पक्की हैं, इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप अगर ये सिंथेटिक डाइज ले लें, यानी कि एक्रेलिक कलर्स ले लें, तो आपके लिए इजी रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी कोई भी हैंकीज डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी टी शर्ट डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू।